तो दोस्तों सबसे पहले हम दूध को खौला लेते हैं। जब भी खीर बनाना होता है तो दूध खौला लेने के बाद दोस्तों चावल को धो करके थोड़ा सा घी लगा के ताकि चावल सटे नहीं, ये चीज़ कर लेने के बाद दोस्तों खौले में दूध में चावल को डाल देना होता है। और जब चावल अच्छी तरह सीज जाता है दोस्तों तब समझ लिया हमारा खीर तैयार होता है। तो आइए दोस्तों बताते हैं कैसे बनता है खीर। हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बताएंगे कि कैसे बनता है खीर। 1 kg दूध में कितना चावल पड़ेगा, कितना चीनी पड़ेगा या खीर में क्या क्या मटेरियल पड़ता है, वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में दीपक का लाइव में। दोस्तों आज के वीडियो में बताएंगे कैसे बनता है खीर। दोस्तों तो वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है। वीडियो लगे अच्छा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। 2 kg दूध का आज हम खीर बनाने वाले हैं। दूध को पहले हम खौला लेंगे। तो जब खौल जाएगा तो 2 kg दूध में दोस्तों हम 150 ग्राम चावल देंगे और 150 ग्राम चीनी भी देंगे। चीनी दोस्तों मीठा अगर हम चेक कर लेंगे थोड़ा सा कम मीठा लगेगा, तब हम थोड़ा सा ज़्यादा मीठा देंगे दोस्तों, लेकिन जितना चावल हम दे रहे हैं दोस्तों उतना ही चीनी देंगे। तो 2 kg हमने दूध लिया है, उसमें 150 ग्राम चावल लिया। चावल दोस्तों आप कम से कम 1 kg दूध में 50 ग्राम दे सकते हैं और ज़्यादा ज़्यादा 100 ग्राम चावल दे सकते हैं। तो दोस्तों हमने ना ही ज़्यादा दिया ना ही कम दिया, हमने बीच में रखा। 1 kg में लगभग 75 ग्राम दिया दोस्तों, तो 2 kg में लगभग 150 ग्राम हमने चावल दिया है। तो चावल को हमने धो लिया। धो लेने के बाद चावल में थोड़ा सा घी मिला दिया ताकि चावल जब दूध में चावल डालें खीर बनने के लिए तो चावल एक दूसरे में चिपके नहीं और बेस्ट खीर हमारा तैयार हो। तो दोस्तों खीर में हमने सबसे पहले और ये काजू किशमिश रखा है दोस्तों, इलायची रखा है और थोड़ा सा पिस्ता बादाम का भी प्रयोग करेंगे दोस्तों। इसमें मावादार खीर बनने वाला है हमारा। तो चावल हमारा सीज चुका है लेकिन थोड़ा सा और लगा देंगे एक्स्ट्रा ताकि हमारा थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए दूध भी। तो दोस्तों खीर में करना क्या होता है, आप दूध को खौला लीजिए, आपको 50 ग्राम चावल डालना है या 100 ग्राम डालना है या 75 ग्राम डालना है, ये तीनों तरीका का प्रयोग कर सकते हैं। हमने 75 ग्राम डाला था 1 kg में और 2 kg में लगभग 150 ग्राम चावल डाला है और 150 ग्राम चीनी भी देंगे दोस्तों। ये कर लेने के बाद दोस्तों चावल जब सीज जाता है दोस्तों इसमें आप टेस्ट के लिए इलायची देंगे। इलायची हालांकि दोस्तों खड़ा देना चलेगी, हमने हमारे पास पाउडर इलायची का, इलायची पाउडर ही देंगे। और काजू किशमिश लगभग दोस्तों 25-25 ग्राम काजू 25 ग्राम किशमिश दे रहे हैं दोस्तों 2 kg दोस्तों खीर में दोस्तों। और उसके बाद थोड़ा सा 2 बादाम और 2-4 पिस्ता काट के दोस्तों देंगे इसमें। तो चावल को सिझा लेने के बाद इसमें काजू किशमिश इलायची पिस्ता बादाम दे दीजिए। और दोस्तों जब खीर पूरी तरह तैयार हो जाए तब दोस्तों उसमें चीनी देना होता है। गर्म में चीनी नहीं देना होता है, कभी कभी होता है क्या फट जाता है। तो जब खीर बन जाए हम चूल्हा बंद कर ले तो तब चीनी देना है। और लास्ट टाइम में दोस्तों हम सबसे लास्ट टाइम में जब थोड़ा ठंडा हो जाता है वो उसे ऊपर से पिस्ता बादाम दे देंगे ताकि हमारा खीर देखने में भी सुंदर लगेगा और खाने में भी मावादार खीर और बेस्ट खीर लगेगा दोस्तों। तो खीर का यही प्रोसेस आप कभी भी घर में बनाएं दोस्तों। तो 1 kg दूध में दोस्तों 50 से 75 ग्राम चावल दें, 100 ग्राम चावल बिल्कुल भी नहीं दें, उससे बेस्ट खीर नहीं होगा। 50 से 75 ग्राम चावल दें और लगभग 75 ग्राम चीनी दें 1 kg दूध में खीर में दोस्तों। अब बाकी मावा अपने मन के ऊपर है, काजू किशमिश पिस्ता बादाम केसर ये सब चीज़ें खीर में आप दे सकते हैं, वो आपके मन के ऊपर है। तो हम दोस्तों इसमें सभी चीज़ों का प्रयोग किए हैं, केसर का प्रयोग नहीं किए हैं, केसर का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमने इसमें काजू किशमिश दिया, इलायची दिया और लास्ट टाइम में दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह हमने कटिंग पिस्ता 2-4 पिस्ता इसमें छीट दिया और देखने हमारा खीर कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। तो कैसा लगा खीर का वीडियो बताइएगा दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद है कि आप समझ गए हो कैसे बनता है खीर। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर दो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद।